हेलो नमस्ते सभी का, मेरे यूट्यूब चैनल से मैं पाइक और आज आप अपन रिव्यू करने वाले थी ऑल न्यू 2023 बजाज सिटी 100X का। एंड फिर स्पेशल थैंक्स टू विशाखा बजाज कोलकाता जिन्होंने मुझे मोटरसाइकिल प्रोडक्ट करा था लाने के लिए। अगर आप फेसबुक पर रहते हैं, आपको बजाज का कोई प्रोडक्ट देखना है तो जरूर शोरूम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आपको आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस वीडियो के दौरान मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ 2023 में इस मोटरसाइकिल क्या क्या अपडेट देखने को मिलते हैं, कैसे क्या प्राइसिंग है, कितने कलर स्कीम, कितने के साथ ये मोटरसाइकिल को देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि इसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो आपको नॉर्मल की देखने को मिल जाती है। सबसे इंग्लिशन में डाल देते हैं इसको एंड आप बात कर लेते हैं कलर प्राइसिंग एंड वेरियंट्स की। इसमें आपको जो है सिंगल वेरियंट देखने को मिलेगा जो कि आपका ड्रम ब्रेक के साथ। कलर आपको तीन देखने को मिल जाएगा जो कि आपका ये वाला पर्टिकुलर कलर स्कीम है, ये आपका मैट वाइल्ड ग्रीन, दूसरा आपका यूनिक ब्लैक विथ रेड, ये आप देख सकते हो ये वाला कलर स्कीम, एंड तीसरा आपका यूनिक ब्लैक विथ ब्लू। तो ये वाला कलर जो है 125X में, लेकिन ऐसा सेम कलर आपको जो है रेड में भी नेक्स्ट में देखने को मिल जाता है। प्राइसिंग की अगर बात करें तो इसका एक्सट्रोम प्राइस है 69,459 रुपीज़ का एक्सट्रोम प्राइस आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आप चलते इसको वॉकराउंड की तरफ। सबसे पहले इसका इंजन ऑन करते हैं। अभी तो इंजन ऑन करते हैं, आप देख सकते आपको फ्रंट में क्लियर DRL दिया गया, ठीक है, जो कि काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ब्राइट लाइट यहाँ पे दिया गया। एंड यहाँ से आप चाहो तो इसको मेन हेडलैम्प को भी ऑन कर सकते हो। आपको कैसे किया वो आपको दिखाता हूँ। एंड यहाँ पर जैसे हेडलैम्प को ऑन करोगे तो इसका जो मेन ये DRL है ये उसका पावर थोड़ा डिम हो जाएगा। एंड इसको ऑन करने के लिए यहाँ पे एक डेडिकेटेड स्विच दिया गया, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ ऐसा यहाँ पे एक स्विच दिया गया, जिससे आप हेडलैम्प एंड DRL को कंट्रोल कर सकते हो। इसको ऑफ करोगे तो सिर्फ DRL जलेगा एंड इसको ऑन करोगे तो हेडलैम्प भी जलेगा। ठीक है, अब चलते इसके इंडिकेटर्स की तरफ। तो यहाँ पे दिखा दूँ तो यहाँ पे आपको जो फ्लेक्सिबल इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा जो कि पल्सर में आपको देखने को मिलता है। इंडिकेटर आपको जो है हैलोजन ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, एंड फ्रंट में यहाँ पर राउंड हेडलैम्प दिया गया, उसके ऊपर एक जो है प्रोटेक्शन का ग्रिल भी यहाँ पे आपको फ्रंट में दिया गया है। एंड वाइजर के अगर इंग्लिश को ऑफ कर देते हैं, एंड वाइजर की अगर बात करो तो यहाँ पे जो आपका ब्लैक कलर में ये वाइजर दिया गया है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका येलो कलर जो गोल्डन कलर यहाँ पे वो दिया गया, यहाँ पे सिल्वर कलर, यहाँ पे जो है डार्क ग्रीन या फिर आर्मी ग्रीन जो कलर यहाँ पे वो दिया गया फ्रंट में। ठीक है, कलर यहाँ पे दिखा दिया मैंने। यहाँ पर फ्रंट नंबर होल्डर आपको यहाँ पे फ्रंट नंबर प्लेसमेंट होगा, देखा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको जो फाइबर में सिंगल पीस मनकाट दिया गया जो कि मैट ब्लैक में। फ्रंट में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दिया गया है जो कि फॉग गेटर के साथ आपको देखने को मिल रहा है। दोनों साइड को जो रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा। एंड फ्रंट में जो आपको 130mm का फ्रंट ड्रम देखने को मिल जाएगा। ब्लैक कलर में आपको अलॉय देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर MRF का फ्रंट में टायर दिया गया। टायर रॉयल की अगर बात करूँ तो यहाँ पर 2.75x17 का यहाँ पर फ्रंट टायर देखने को मिल जाएगा। टायर का पैटर्न की अगर बात करूँ, टायर पर पैटर्न यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको यहाँ पर कुछ ऐसा पैटर्न का टायर देखने को मिल रहा है। बाकी साइड से अगर बात करें तो साइड का लुक जो काफ़ी अच्छा यहाँ पर निकल के आता है, काफ़ी ज़्यादा जो कॉम्पैक्ट एक डेली कमेंटर मोटरसाइकिल ये निकल के आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा था। यहाँ पर आपको जो है यहाँ पे सबको जो है ब्लैक कलर में काफ़ी अच्छा सा क्रैश गार्ड दिया गया है। नीचे की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है नीचे पे तो एक मेटल का जो आपको बेस प्लेट यहाँ पे कंपनी की देखने को मिल रहा है जो कि आप जैसे आपको ब्लैक कलर में देखने को मिल रहा है। एंड अगर अपडेट की बात करो तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अपडेट दिखा देता हूँ। यहाँ पे तो यहाँ पे जो है आपको E20 फ्यूल कंफर्टेबल इंजन देखने को मिल रहा है। तो इसमें आप जो है 2023 में E20 फ्यूल का अपडेट आ चुका है। एक और अपडेट जो है इसके इंजन में है वो क्या, जो कि आपका OBD2 जैसे OBD2 का स्टिकरिंग भी आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो साइड से बाइक का जो लुक्स कुछ ऐसा निकल के आता है। एंड अगर कलर्स एंड ग्राफिक्स की बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो आर्मी ग्रीन कलर दिया गया है, एंड यहाँ पे आपको व्हाइट कलर में सीडी का स्टिकरिंग, एंड यहाँ पे गोल्डन एंड यहाँ पे सिल्वर का स्टिकरिंग जो आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर थाई ग्रिपर जो आपको कंपनी फिगर देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिया गया है। साइड की बात करें तो यहाँ पर 110X का जो स्टिकरिंग यहाँ पे वो दिया गया है, यहाँ पे सेम आर्मी ग्रीन गोल्डन एंड सिल्वर कलर का स्टिकरिंग दिया गया है। यहाँ पे साइड पैनल जो आपको ब्लैक में दिया गया है। एंड अगर इसके इंजन की बात करें तो यहाँ पे आपको जो है 115.45 cc सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड PS6 Phase 2 आपको इलेक्ट्रॉनिक्स कार्बोरेटर वाला इंजन देने को मिल जाता है। पावर फिगर्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको 8.6 PS का पावर मिलेगा एंड 9.81 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाएगा विथ 4-speed गियरबॉक्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंजन का अपडेट OBD2 आ चुका है एंड E20 का अपडेट इसमें आ चुका है। एंड यहाँ पर दोस्तों यहाँ पे किक स्टार्ट भी दिया गया, यहाँ पर आपको सेल्फ स्टार्ट भी दिया गया। रेयर ब्रेक लिप आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जो डेली काउंटर वाला फुटपैक यहाँ पे वो दिया गया जो कि फोल्डेबल नहीं है। डेली काउंटर बाइक में ज़्यादातर वही देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें आपको फ्रंट में जो है डिस्क नहीं है, लेकिन इसमें आपको ड्रम ब्रेक है, तो इसकी वजह से आपको इस पर कॉम्बी ब्रेक सिस्टम देखने को मिल जाता है जो कि CBS। तो आपका रेयर ब्रेक का अप्लाई करोगे तो फ्रंट ब्रेक भी अप्लाई होगा, मतलब 70-30। यहाँ पे कॉम्बी ब्रेक का जो मैकेनिज्म यहाँ पे वो दिया गया है। एंड यहाँ जो एग्जॉस्ट का पाइप यहाँ पे कुछ ऐसा निकल के आता है, यहाँ आपको मैट ब्लैक में एग्जॉस्ट देखने को मिलता है। एंड एग्जॉस्ट का मफलर जो आपको सिल्वर कलर में यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको प्लेन फुटपैक जो आपको रेयर फुटपैक दिया गया,
ठीक है, यहाँ पे बॉक्स कटिंग सिंगम देने को मिल जाएगा। आप देख सकते हो ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स दिया गया जो कंफर्ट की वजह से यहाँ पे जो डुअल शॉकर्स यहाँ पे प्रोवाइड किया गया जो कि एडजस्टेबल डेफिनेटली है। यहाँ आपको लेडीज़ फुटरेस्ट दिया गया है जो कि काफ़ी बड़ा है, जैसे कि अगर हम जैसे मेन बैठते हैं, अगर जैसे हम लड़के लोग बैठते हैं ऐसे, इसके लिए काफ़ी बड़ा सा यहाँ पे स्पेस दिया गया है। ठीक है, अब बॉक्स में स्विंगम देखने को मिल जाएगा। सीट की अगर बात करें तो यहाँ पर सिंगल पीस सीट दिया गया है, इसके ऊपर आपको जो है वाइट स्टिचिंग का यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। रियर साइड की तरफ चले तो यहाँ पे इंजन ऑन करता हूँ एक बार, तो यहाँ पर टेल लैम्प देख सकते हो, यहाँ पर हैलोजन टेल लैम्प देखने को मिल जाएगा। इंडिकेटर आपको वही हैलोजन देखने को मिलता है जो कि फ्लेक्सिबल डेफिनेटली है। यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे आपको जो है मैट ब्लैक में जो आपको यहाँ पर पैनियर दिया गया जो कि काफ़ी हार्ड एंड काफ़ी स्टडी है, काफ़ी अच्छा लुक इसका निकल के आता है। रियर का नंबर होल्ड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, रियर का नंबर आपको यहाँ प्लेस होगा, नंबर लाइट आपको हैलोजन देखने को मिल रहा है। रियर में आपको जो है मैट ब्लैक में रियर मड गार्ड जो दिया गया, यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर देखने को मिल जाएगा, साइड में कोई भी रिफ्लेक्टर जो है नहीं दिया गया। रियर टायर की अगर बात करते हैं, यहाँ पर जो 110 mm का यहाँ पे रियर ड्रम दिया गया एंड रियर टायर भी आपको जो है MRF का देखने को मिल रहा है। रियर टायर की अगर बात करते तो 3.00x17 का आपको रियर टायर देखने को मिल रहा है। एंड ये बाइक जो आपका ट्यूब टायर है, जिसका कोई भी ट्यूबलेस का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। 125X जो उसमें आपको ट्यूबलेस का ऑप्शन देखने को मिलता है, ये जो बाइक है ये आपको ट्यूब टायर ही देखने को मिल जाता है। अभी इंजन को ऑफ कर देते तो आपको पीछे का दिखा दिया। एंड यहाँ पर साइड की अगर बात करते तो यहाँ पर साड़ी गार्ड दिया गया, काफ़ी बड़ा सा यहाँ पे आपको लेडीज़ फुटेज जो है यहाँ पे प्रोवाइड किया गया। यहाँ आपको फुल्ली कवर चेन सेट देखने को मिल जाता है जो कि आपको ब्लैक कलर में दिया गया, तो चेन को उतना ज़्यादा मेंटेन करने का ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी आपको जो है पिलियन का फुटपैक देखने को मिलेगा रबर कोटेड। यहाँ पर आपको जो है मेन स्टैंड और साइड स्टैंड दोनों ही देखने को मिल जाएगा। एंड इसमें आपको साइड स्टैंड भी, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ सेंसर भी देखने को मिलता है। यहाँ आपको रबर कोटेड हाइट फुट पे देखने को मिलेगा जो कि फोल्डेबल नहीं है। यहाँ आपको 4-speed गियर बॉक्स देखने को मिलेगा जो कि सब गियर जो डाउन की तरफ जाएगा। एंड यहाँ पर आपको टू एंड हिल शिफ्टर दोनों देखने को मिल जाएगा, तो साइड से बाइक का कुछ ऐसा लुक निकल जाता है। एंड अब अगर बात करें इसके डायमेंशन की, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले बता देता हूँ इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो कि आपका 170 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाएगा। एंड 127 kg का कर्वर जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 812 mm का इसका जो है सीट हाइट देखने को मिल जाएगा। तो अब चलते इसके हैंडल बार मीटर कंसोल की तरफ एंड एग्जॉस्ट का वीडियो को एंड करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है, यहाँ पे आपको मिरर जो है काफ़ी अच्छा बेसिक मिरर देखने को मिल जाएगा जो काफ़ी अच्छा व्यू आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, आपको सिंगल पीस ब्लैक कलर में हैंडल बार दिया गया एंड यहाँ पे आपको जो एक मोबाइल होल्डर लगाने का जगह भी दिया गया, लेकिन 125X जो है इसका सिटी 125X उसमें आपको यहाँ पे जो एक USB चार्जिंग पॉकेट भी दिया गया। क्लच जो काफ़ी ज़्यादा लाइट क्लच दिया गया, फ्रंट ब्रेक का लीवर यहाँ पे दिया गया। यहाँ पे आपका जो DRL एंड हेडलैम्प का ऑन ऑफ करने का स्विच दिया गया, यहाँ पे सेल बटन दिया गया, यहाँ पे आपका जो पास बटन दिया गया, यहाँ पे आपका हाई बीम लो बीम, यहाँ पे इंडिकेटर, यहाँ पे हॉर्न बटन। ठीक है, तो अब चलते इसके हैंडल बार की तरफ, मीटर कंसोल की तरफ। तो मीटर कंसोल बेसिक देखने को मिलता है, यहाँ पर स्पीडोमीटर दिया गया, आपका फ्यूल गेज, यहाँ आपका टेल लाइट दिया गया जो कि आपका न्यूट्रल, इंडिकेटर का सिग्नल, आपका हाई बीम एंड यहाँ पर आपका इंजन मैनुअल फंक्शन का लाइट यहाँ पर दिया गया। तो बेसिक जो है मीटर कंसोल आपको देखने को मिल जाता है। तो आप चलते इसके जो है एग्जॉस्ट साउंड की तरफ, मैं वीडियो को एग्जॉस्ट साउंड सुना के जो वीडियो को मैं एंड करता हूँ। एक और चीज़ आपको दिखाना रहेगा जो कि आपको यहाँ पे कार्बोरेटर का स्विच यहाँ पे वो दिया गया। ठीक है, तो इसको आप यहाँ से फिर ऑन ऑफ कर सकते हो। CT110X का डीजल वाकाना रिव्यू। अगर वीडियो यहाँ तक देखा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में।